आर रहमान जीवनी बायोग्राफी ऑफ ए आर रहमान इन हिंदी। नाम अल्लाह रखा रहमान। जन्म 6 जनवरी 1967 चेन्नई। पिता आर के शेखर, माता करीमा बेगम, विवाह सायरा बानू। अल्लाह रखा रहमान हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में हुआ। जन्म के उपरांत उनका नाम एस दिलीप कुमार मुदलियार रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर वे आर रहमान बने। सुरों के बादशाह रहमान ने अपनी मातृभाषा तमिल के अलावा हिंदी और कई अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी संगीत दिया है। टाइम्स पत्रिका ने उन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास की उपाधि दी। रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। ए आर रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए 3 ऑस्कर नामांकन हासिल हुआ है। इसी फिल्म के गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार मिले। प्रारंभिक जीवन। रहमान का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में एक मध्यम वर्गीय तमिल मुदलियार परिवार में हुआ। उनके पिता आर के शेखर तमिल और मलयालम फिल्मों के परिचालक और निर्माता थे। रहमान बचपन में हमेशा अपने पिता की सहायता करते थे। जब रहमान केवल 9 साल के ही थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। वे अपने पिता के वाद्य यंत्रों को किराए से देकर अपना घर चलाने लगे थे, जो बाद में उनकी माता करीमा ने अपने हाथ में ली थी। रहमान एक बेहतर कीबोर्ड प्लेयर थे, साथ ही वे कई मौकों पर बैंड का बंदोबस्त भी करा देते थे, जैसा कि उन्होंने अपने बचपन के मित्र शिवामनी, जॉन एंथोनी, सुरेश पीटर्स, जोजो और राजा के साथ मिलकर किया था। और बाद में उन्होंने चेन्नई पर आधारित रॉक ग्रुप नेमसिस एवेन्यू की भी स्थापना की थी। वे कीबोर्ड, पियानो, सिंथेसाइजर, हारमोनियम और गिटार के महान ज्ञाता कहलाते हैं। विशेष तौर पर तो उन्होंने सिंथेसाइजर में महारत हासिल कर रखी थी, क्योंकि उनकी अनुसार सिंथेसाइजर में संगीत और तंत्र ज्ञान का अद्भुत संगम होता है। ए आर रहमान ने अपने संगीत की शिक्षा का प्रशिक्षण मास्टर धनराज के हाथों लेना शुरू किया और 11 साल की अल्पायु में ही वे अपने पिता के करीबी दोस्त एम के अर्जुन के साथ मलयालम ऑर्केस्ट्रा बजाया करते थे। बाद में उन्होंने कुछ दूसरे संगीतकारों के साथ काम करना शुरू किया, जैसे कि एम एस विश्वनाथन, लिया राजा, रमेश नायडू और राजकोटी। इसके बाद उन्होंने जाकिर हुसैन, कुन्नाकुदी वैद्यनाथन और ए शंकर के साथ विश्व स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। उनके हुनर को देखते हुए उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज लंदन के संगीत विभाग से शिष्यवृत्ति भी मिलती थी। रहमान को संगीत अपने पिता से विरासत में मिली है। उनके पिता आर के शेखर मलयाली फिल्मों में संगीत देते थे। रहमान ने संगीत की शिक्षा मास्टर धनराज से प्राप्त की। मात्र 11 वर्ष की उम्र में अपने बचपन के मित्र शिवमणि के साथ रहमान बैंड रूट्स के लिए कीबोर्ड, सिंथेसाइजर बजाने का कार्य करते थे। वे इलियाराजा के बैंड के लिए काम करते थे। रहमान को ही चेन्नई के बैंड नेमेसिस एवेन्यू के स्थापना का श्रेय जाता है। वे कीबोर्ड, पियानो, हारमोनियम और गिटार सभी बजाते थे। वे सिंथेसाइजर को कला और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम मानते हैं। रहमान ने अब तक 100 से भी अधिक गानों में अपना संगीत दिया है, जो कि कई भाषाओं में है। उनकी कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में रोजा, बॉम्बे, दिल से, लगान, ताल, वंदे मातरम शामिल है। हाल की कुछ फिल्मों में जोधा अकबर, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 फीट एवं स्लमडॉग मिलेनियर शामिल है। रहमान ने केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व के कई बड़े कलाकारों के साथ प्रशंसनीय संगीत दिया है। रहमान ने उनका फिल्मी कैरियर 1992 में शुरू किया। उन्होंने अपने घर के पीछे स्टूडियो शुरू किया, जिसका नाम था पंचाथान रिकॉर्ड इन एल। समय के साथ
यह भारत में सबसे उन्नत रिकॉर्डिंग स्टूडियो बन जाएगा। उन्होंने अपनी शुरुआत भारतीय वृत्तचित्र विज्ञापन और भारतीय टेलीविजन चैनलों से किया। उन्होंने तमिल फिल्म रोजा के साथ अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया। एल रहमान को इसी फिल्म की वजह से रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया। रंगीला रहमान की पहली हिंदी भाषा की फिल्म थी जिसमें उन्होंने संगीत दिया। इसके बाद उन्होंने दिल से और ताल जैसे बेहतरीन फिल्मों का संगीत दिया है। रहमान ने फिल्म के अलावा कई अलग काम भी किए। एल वंदे मातरम सबसे अधिक बिकने वाली भारतीय गैर फिल्मी एल्बम है। एल 1999 में रहमान ने माइकल जैक्सन से साथ जर्मनी में प्रदर्शन किया। एल 2000 में उन्होंने स्वदेश और रंग दे बसंती जैसे प्रसिद्ध फिल्मों का संगीत दिया। एल 2003 के अंत तक उनके 150 मिलियन रिकॉर्ड्स बिके थे। रहमान ने 24 नवंबर 2009 में उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बराक ओबामा के लिए व्हाइट हाउस में प्रदर्शन किया है। 20 मई 2011 को रहमान ने अंग्रेजी संगीतकार मिक जैगर और प्रसिद्ध हॉलीवुड कलाकारों के साथ एक नए ग्रुप की घोषणा की। एल ए आर रहमान को कर्नाटकी पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी संगीत में महारत हासिल है। इस कारण संगीत का कोई भी भाग उनसे अछूता नहीं। वे प्रयोग करने में काफी विश्वास करते हैं। नई आवाज को वे मौका जरूर देते हैं। रहमान पर सूफीवाद का गहरा असर है और यह उनके गानों में भी नजर आता है। अगर आज तक के रहमान के अवार्डों पर नजर डालें तो लगेगा जैसे रहमान कोई अवार्ड पुरुष हैं। रहमान को अब तक सर्वाधिक 14 फिल्मफेयर अवार्ड, 11 फिल्मफेयर अवार्ड साउथ, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 अकादमी, 2 ग्रेमी अवार्ड और 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। उनके स्लमडॉग मिलेनियर के गाने जय हो के लिए तो उन्हें ऑस्कर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और इन सब के साथ रहमान को साल 2000 में पद्मश्री और 2010 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। पुरस्कार संगीत में अभूतपूर्व योगदान के लिए 1995 में मॉरिशस नेशनल अवार्ड्स, मलेशियन अवार्ड्स, फर्स्ट वेस्ट एंड प्रोडक्शन के लिए लॉरेंस ओलिवर अवार्ड्स, 4 बार संगीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, 2000 में पद्मश्री से सम्मानित, मध्य प्रदेश सरकार का लता मंगेशकर अवार्ड, 6 बार तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड विजेता, 11 बार फिल्म फेयर और फिल्म फेयर साउथ अवार्ड विजेता। विश्व संगीत में योगदान के लिए 2006 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से सम्मानित, 2009 में फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार, 2009 के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार, स्लम डॉग मिलेनियर के गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंडट्रैक व सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत के लिए